वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम टाटा स्टील स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा स्टील स्टॉक की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग न्यूज यहाँ पे चेक करने वाले टाटा स्टील स्टॉक के लिए। तो देख सकते कि न्यूज की बात की जाए तो देख सकते कि टू टाटा स्टॉक्स अमंग 10 काउंटर्स विद मोस्ट सेल रेटिंग जेएसडब्ल्यू स्टील सीएमपी ₹741। तो देख सकते कि तकरीबन देखा जाए तो टाटा स्टील के लिए बाकी कोई खास अपडेट नहीं है रिसेंटली देखा जाए तो। पर टाटा स्टील की मोमेंटम की बात की जाए तो देख सकते कि फ्राइडे के दिन थोड़ी सी बेरिश देखने को मिली थी, पर हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे फिर आगे हम लोग फंडामेंटल नंबर चेक करेंगे। तो टाटा स्टील में देख सकते कि एक अच्छी मोमेंटम नजर आ चुकी है क्योंकि 115 लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते रेजिस्टेंस लेवल बनी थी, उसको जैसे ब्रेक किया स्टॉक ने उस लेवल पे सपोर्ट लिया और एक तेजी देखने को मिली। फिर 120 लेवल भी आप लोग देख सकते कि 120 पे भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस ले रहा था, स्टॉक पर जैसे ही ब्रेक किया 120 को अभी ऊपर चला गया तो नीचे आता है तो 120 लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल बनेगी। फिर से नीचे यहाँ पे स्टॉक आता है तो मीन्स ए लेवल यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन सपोर्टिव बनेगी नीचे स्टॉक आता है तो करंटली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि बाकी की जो डिटेल है उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। जैसे कि स्टॉक के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है तो काफी रेजिस्टेंस लग सकता है। मंथली जो रेजिस्टेंस है 125 के करीबन है तो 125 लेवल ऊपर जाता है टाटा स्टील तो रेजिस्टेंस लगने के चांसेस दिखाई देंगे हम लोगों को उस लेवल पे। और फंडामेंटली नंबर्स देखे जाए टाटा स्टील स्टॉक के तो टाटा स्टील का देख सकते कि मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे 1,50,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है। पी रेशियो 5.23 अच्छा है। बुक वैल्यू 88 रुपीज के। आरओसी पॉजिटिव है 31.6। रिटर्न ऑन इक्विटी 42.6% है। कंपनी के ऊपर टोटल लोन 87,000 करोड़ का है पर नेट प्रॉफिट भी 28,000 करोड़ के ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ में गिरावट देखने को मिले 9% से ज्यादा और सेल्स ग्रोथ 23% ऑफ है। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 9,088 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट 2,89,000 करोड़ के। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पिछले 3 सालों में और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी है। सिर्फ प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पे आते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग कम होती हुई नजर आ चुकी है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे जो है कम 33% यानी कि कम हो चुके हैं और यहाँ पे उसमें हल्के से शेयर प्लेज है।